और हम जानबूझ के बचपने में थे हम 7-8 बरस के, तो हम उनके पास बैठ के सुनते थे कि ठीक पड़ती है या नहीं पड़ती। अच्छा। देखिए मतलब ये जिज्ञासा उस तरह की। और एक बस वो दूध पिलाती थी, हम कहते थे देखो देखो मक्खन आ गया, तो वो ऐसे उठाती थी बीच में हाथ मारते थे ऐसे चाट जाते थे मक्खन, क्योंकि हम हमारे घर में सब गोरे हैं, सब एक हम ही सांवरे, पर हमारे घुंघराले एकदम से काले घुंघराले केश, तो मेरी दादी हमको श्याम सुंदरी बोलती, तो ये लीला चलती थी। और उसी गीता जी की ऐसी कृपा हुई कि हमारी दादी जी ने जैसे विषम पितामह ने 6 महीने इंतजार किया, बिस्तर पे पड़ी रही, बीच में ही सब उसका होता था, और लेकिन उसने जब उत्तरायण आया तभी उसने प्राण। मैंने कहा हम सबको ये बोलते थे, मैंने कहा ये इनकी कृपा, आपका जीवन सार्थक हो गया, आप जो है वृंदावन धाम में जो है ना आपने वो प्राप्त कर लिया जिसके लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी माँ के दर्शन हुए। हमारे साथ में परम संत वृंदावन में अति पवित्र आत्मा, जिन्होंने पूरा जीवन परमात्मा की चरण की रज में लगा दिया। सबसे नजदीक है देखो श्री जी की वो, और हमारे साथ में संत दयाशंकर जी महाराज पंखे की सेवा करते थे, तो सबसे नजदीक तो ये, हम तो दूर से खड़े होकर देखने वालों में दर्शन करने वाले।